नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 7.3 त्रिभुज का सवाल 1 और 2 को हल करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो, सवाल नंबर 1, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, उसके बाद आपको हल करना है। तो देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्वि बाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। देखिए आकृति। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि हमें ये चार चीज़ें सिद्ध करनी है। देखो बच्चों, सवाल दिखने में आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन सवाल है बहुत ही आसान। अगर आप ध्यान से बोर्ड पे पूरा फोकस रखते हो और स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो ये सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो, मैं आपको चित्र से इसको समझाता हूँ। इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC और DBC दो समद्वि बाहु त्रिभुज हैं जो एक ही आधार BC पर बने हुए हैं। मतलब बड़े वाले त्रिभुज का भी आधार BC है और इस छोटे वाले त्रिभुज का भी आधार BC है, ठीक है। अब ये जो A और D बिंदु है, ये BC के A की ओर है, ठीक है। फिर लिखा है कि AD को आगे बढ़ाने पर वो BC को P पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो सिद्ध करनी है हमें ये चार चीज़ें, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम सवाल में लिखते हैं दिया हुआ। तो दिया हुआ आपको लिखना है, क्या लिखोगे? ABC और DBC दो समद्वि बाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज में तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों भुजा बराबर हैं, और इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर हैं, क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ लिख दोगे। फिर लिखोगे सिद्ध करना। सिद्ध करना में ये सभी चीज़ें लिखना है आपको, ये चारों, ये हमें करना है सिद्ध, ठीक है। चलिए पहला नंबर 1 सिद्ध करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD, मतलब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो देखो, ABD मतलब ये वाला त्रिभुज, और ACD मतलब ये, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो बताओ, जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं तो कितनी चीजें बराबर करते हैं? तीन चीजें बराबर करते हैं। तो चलिए दोनों त्रिभुजों को नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक त्रिभुज का नाम तो है ABD व दूसरे का नाम है त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD से दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, मतलब कितनी चीजें बराबर? तीन चीजें। तो देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हैं, क्योंकि सवाल में दिया हुआ कि ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर। तो देखो, AB किसके बराबर होगी? AC के। तो हम लिखेंगे इस त्रिभुज की तो AB भुजा और उस त्रिभुज की AC भुजा, बताओ क्यों बराबर हैं? ये हमें सवाल में दिया हुआ हो गया एक। अब दूसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर हैं, क्योंकि ये भी सवाल में दिया हुआ है। BD किसके बराबर है? CD के। तो देखो, इस त्रिभुज की BD भुजा और इस त्रिभुज की CD भुजा बराबर हैं, क्यों बराबर हैं? सेम लिखोगे, दिया हुआ हो गया, दो चीजें बराबर। अब तीसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा AD है ना, और इस त्रिभुज की भी ये भुजा AD बराबर हैं, बताओ क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ये इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस दोनों की एक ही भुजा है ना AD, इसलिए उभयनिष्ठ और बराबर हैं। तो क्या लिखोगे? इस त्रिभुज की AD भुजा बराबर होगी इस त्रिभुज की AD भुजा के, क्यों होगी? ये हो जाएगा आपके उभयनिष्ठ। हो गए तीन चीजें बराबर। तो जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा लगेगा? देखो, तीनों भुजा है तो भुजा 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 SSS सर्वांग समता नियम द्वारा हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम। तो SSS है ना, तीनों भुजा है ना, तो साइड 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 सर्वांग सम नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के, इति सिद्धम। तो देखो, ये पहला सिद्ध हो गया, हो गया ना सिद्ध, बहुत ही आसान था। अब नंबर 2 को भी हम करेंगे सिद्ध। तो देखो, नंबर 2 में क्या है,
त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है, त्रिभुज ए सी पी मतलब इन दोनों त्रिभुजों को भी आपको करना है सर्वांग सम। अब चित्र में देखो ये दोनों त्रिभुज कहाँ है, ए बी पी, ए बी पी मतलब ये वाला त्रिभुज, इस लाइन को भूल जाओ आप, है ना, इस लाइन को भूल जाओ, ये वाला त्रिभुज है, समझ रहे हो बात को, है ना, ए बी पी और एक ए सी पी, ये वाला, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को इस ए पी लाइन के इधर वाला पूरा और इसके उधर वाला इस पूरे त्रिभुज को भी क्या करना है, हमें सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करोगे, तीन चीजें, तो सेम आपको करना है। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले लिखो त्रिभुजों के नाम, तो त्रिभुज का नाम है, एक का नाम तो ए बी पी व त्रिभुज, दूसरे का नाम ए सी पी से। अब दोनों त्रिभुजों में यहाँ भी करनी है कितनी चीजें बराबर, तीन चीजें बराबर, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, इधर इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, सवाल में दिया हुआ ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो देखो इस त्रिभुज की तो ए बी भुजा और इस त्रिभुज की ए सी भुजा क्यों बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है। आप इधर भी चेक कर लिया करो त्रिभुज, देखो ए बी नाम ये रहा, ए सी नाम ये रहा, इधर भी चेक कर लिया करो साथ के साथ ताकि गलती नहीं हो गया। तो एक तो ये बराबर हो गई, दूसरी बताओ भाई, दूसरी क्या बराबर है, इस त्रिभुज की ए पी भुजा और इस त्रिभुज की भी ए पी भुजा, उभयनिष्ठ है ना दोनों में, अरे भाई इस त्रिभुज में भी ए पी नाम है और इसमें भी, दोनों की एक ही भुजा है तो उभयनिष्ठ हो जाएगी। देखो ए पी और यहाँ भी देखो ए पी, तो क्या लिखोगे, ए पी बराबर है ए पी के, क्यों बराबर है, ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ, दो हो गए बराबर। अब एक और देखो, और कौन सी बराबर है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, दिखाई दे रहा है क्या कोई बराबर, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, बताओ ये कोण क्यों बराबर होगा, नाम दे देता हूं मैं, एक नंबर और दो नंबर, क्यों बराबर होंगे ये दोनों कोण, हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया था, सर्वांग सम, और हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण इस त्रिभुज का ए बी डी की बात कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम किया था ना, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। ये वाला कोण आएगा इस त्रिभुज का और ये वाला कोण आएगा इस त्रिभुज का, है ना, इस वजह से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो देखो इस त्रिभुज का तो कोण नंबर एक बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण नंबर दो के, बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे थे, सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं बाईसीपीसीटी से। तो त्रिभुजों के नाम लिख दो, वो जो हमने पहले सर्वांग सम किए थे, त्रिभुज क्या नाम है, ए बी डी, सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, इस वजह से ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। हो गई तीन चीजें बराबर, और नियम है जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। अब नियम कौन सा लगेगा, देखो ये भुजा फिर कोण और फिर भुजा, तो भुजा कोण भुजा एस ए एस, कौन सा नियम लगा, एस ए एस, मैं यहां लिख देता हूं इधर, एस ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के, इति सिद्धम। तो ये दूसरा वाला पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। अब नंबर तीन हमें सिद्ध करना है, तो ये तीसरा पॉइंट देखो, अब यहाँ क्या सिद्ध करना है, ए पी कोण ए और डी दोनों का समद्विभाजन करता है, ए पी, ए पी जो ये लाइन है ये कोण ए का भी समद्विभाजन करता है और कोण डी का भी समद्विभाजन करता है, मतलब कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब कोण ए का क्या हो रहा है, समद्विभाजन हो रहा है, और ये दोनों कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। तो ये तो सिद्ध हो गया। अब इस कोण का समद्विभाजन करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को भी क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे ये तीन नंबर और ये चार नंबर, ठीक है ना। तो देखो पहले तो एपी कोण ए और डी दोनों का समद्विभाजन करता है, तो पहले ए की बात कर लेते हैं, है ना, ए वाले कोण की। तो देखो ये ए वाले, ये दोनों बराबर क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। देखो ये रहा त्रिभुज कौन सा,
ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज, ए बी डी किसके सर्वांग सम है, ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के। बताओ ये सर्वांग सम क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, ठीक है ना, सिद्ध किया है, हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। कोण नंबर एक बराबर होगा कोण नंबर दो, क्यों बराबर होगा, बाय सी पी सी टी, है ना, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। अतः क्या हुआ, अतः अब हिंदी में लिख देंगे ए पी, ए पी कोण ए का क्या करती है, समधि भाजन करती है। एक चीज तो ये प्रूफ हो गए आपके, हो गए ना। अब दूसरी क्या प्रूफ करनी है, कि ये ए पी कोण डी का भी क्या करती है, समधिभाजन, मतलब इन दोनों कोणों को भी क्या करना है, बराबर। समधिभाजन का मतलब होता है कि कोण को दो बराबर भागों में बांटना, अब इन दोनों कोणों को भी बराबर करना है। इसके लिए हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज करना पड़ेगा सर्वांग सम, तो करो इसी में। तो त्रिभुज कौन सा भाई, बी डी पी व त्रिभुज, है ना, बी डी पी। अब दूसरा सी डी पी, त्रिभुज सी डी पी से, अब दोनों त्रिभुजों में करनी है कितनी चीजें बराबर, तीन चीजें बराबर, ठीक है ना। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ, तो इस त्रिभुज की तो बी डी भुजा और उस त्रिभुज की सी डी भुजा क्यों बराबर है, ये हमें सवाल में दिया हुआ, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब दूसरी देखो, इस त्रिभुज की डी पी भुजा और इस त्रिभुज की भी डी पी भुजा क्यों बराबर है, समझ गए, उभयनिष्ठ, तो डी पी बराबर है डी पी के, क्यों बराबर है, ये हो जाएगा भाई उभयनिष्ठ, दो बराबर हो गई। अब एक और बताओ, एक और क्या बराबर है दोनों त्रिभुजों में, एक और बताओ, देखो ये दोनों कोण बराबर करने हैं, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, बताओ क्यों बराबर है, बी पी बराबर सी पी है, इस त्रिभुज की तो बी पी और उस त्रिभुज की सी पी, बताओ क्यों बराबर है, बताओ ढूंढो कारण, बी पी और सी पी क्यों बराबर है भाई, ये बी पी और ये सी पी क्यों बराबर है। देखो हमने पिछली में दो नंबर में ए बी पी इस पूरे त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या किया था, सर्वांग सम, और हमें पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाली भुजा इस त्रिभुज की और ये वाली भुजा इस त्रिभुज की, इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। क्यों बराबर होगी, क्योंकि देखो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ए बी पी, ये ए बी पी किसके समरूप था, तो ये लिख दो कारण, तो ये इसलिए होगा त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज किसके, ए सी पी के, इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो हो गई तीन चीजें बराबर, और नियम है जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा लगेगा, एस एस एस, क्योंकि तीनों भुजा है ना, तो क्या लिखोगे, एस एस एस। नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज बी डी पी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, सी डी पी के, हो गए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो कोण नंबर तीन किसके बराबर होगा, कोण नंबर चार के। अब देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, सही से उतारना बेटा सभी को ना, इसके बाद में यहाँ कर रहा हूँ। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। कोण नंबर तीन बराबर होगा कोण नंबर चार के, क्यों होगा, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल। इसका मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब कोण डी का क्या हो रहा है, समधिभाजन। तो हिंदी में लिख देंगे अतः, अतः ए पी कोण डी का समधिभाजन करती हैं, समधिभाजन करती हैं इति सिद्धम। तो तीसरा भी सिद्ध हो गया, अब बचा लास्ट वाला। अब देखो लास्ट वाला चार नंबर, इसको भी सिद्ध करना है हमें, ठीक है ना, सब ऑटोमेटिक होता जाएगा। पहला सिद्ध करते हैं आपके ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा लंबी प्रोसेस है लेकिन है बहुत आसान, और इसी प्रकार के सवालों में हमें गणित सीखने को मिलती है। जब लंबा सवाल होता है तो उसमें हम क्या क्या करते हैं ये सब पता चल जाता है। तो देखो ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समधिभाजक है, जो हमें सिद्ध करना है कि जो ए पी रेखाखंड है वो बी सी का लंब समधिभाजक है, मतलब
लंब समद्विबाह मतलब यहां पर बना रहा है ये 90 डिग्री का कोण और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो बिल्कुल इजी हो गया। देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, तो ये दोनों भाग क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना, और ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखो यहाँ पर अब हमें सिद्ध करना है कि AP जो रेखाखंड है वो BC का लंब समद्विभाजन करता है, मतलब यहाँ बनाता है 90 डिग्री का कोण और इनको दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखो हम ये वाला जो अभी हमने दोनों को क्या किया था, सर्वांग सम त्रिभुज BDP, सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, CDP के, BDP और CDP ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अभी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यों सर्वांग सम है, हमने इनको किया है सिद्ध किया है, ठीक है, सिद्ध किया हुआ हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर, मतलब BP किसके बराबर होगी, CP के, BP बराबर होगी क्यों होगी, बाय CP CT। तो एक चीज तो ये सिद्ध हो गई, समद्विभाजन हो गया। अब 90 डिग्री कोण लाना है, तो जैसे यहाँ नंबर दे देंगे 5 और यहाँ नंबर दे देंगे 6, कोणों पे आप नंबर दे दिया करो ताकि आपको कोण को जो बड़े मान, जो जैसे कोण का नाम लिखते तो कोण BPD, तो समय भी कम लगेगा और गलती होने के चांस भी कम रहेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर, कोण नंबर 5 बराबर होगा कोण नंबर 6, वही बाय CP CT हो गए, बराबर। अब देखो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, कोण नंबर 5 प्लस कोण नंबर 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों आएगा बताओ, ये सीधी रेखा है, इसको तिरेक रेखा काट रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 होता है और उन्हें हम कहते हैं रैखिक कोण युग्म। तो ये सीधी रेखा, इसको तिरछी रेखा काट रही है, तो दोनों कोणों का योग होगा 180, कारण हो जाएगा रैखिक कोण युग्म से, हो गया। अब देखो ये दोनों बराबर है ना, तो दोनों की जगह एक ही नाम लिखो, या तो दोनों की जगह 5 लिखो या दोनों की जगह 6 लिखो, तो कोण 5, 6 की जगह भी कोण 5 ही लिखें क्योंकि दोनों बराबर है, कोण 5 बराबर 180, दोनों को जोड़ो, एक बार कोण 5 और एक बार कोण 5, दो बार कोण 5 बराबर 180। अब ये दो गुणा है तो भाग में, या दोनों में किसका भाग जा रहा है, दो का भाग जा रहा है, दो का भाग दे दो, दो का भाग इसमें देंगे, दो से दो कट गया, कोण 5 बचेगा, दो का भाग देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, तो आ गया कोण 5 90, तो कोण 6 भी कितना होगा, 90 ही होगा, और इति सिद्धम, ये हो गया सिद्ध। तो इस प्रकार से आप चारों चीजों को आसानी से सिद्ध कर सकते हो। उतारो पहले, सवाल नंबर 2, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है, दर्शाइए कि नंबर 1 AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, नंबर 2 AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखो इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है, तो हम चित्र बनाएंगे और फिर हल करेंगे, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, पहले तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमने बनाया एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम है बच्चों AB और C, ठीक है। अब इस त्रिभुज में AD शीर्ष लंब है, तो देखो ये A और ये D, शीर्ष लंब का मतलब होता है कि एक सिर से निकल के सामने वाली भुजा पर बनाता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना, तो ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण, ये शीर्ष लंब हो गया, ठीक है, और इसका नाम है AD, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है और ये AB और ये AC बराबर हैं, दर्शाइए कि, अब हमें दर्शाना है मतलब सिद्ध करना है, ये बात समझ में आ गई कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है और AD क्या है, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब होता है एक सिर से निकलकर सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, आगे समझ में। अब आगे हमें सिद्ध करना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, AD रेखाखंड, ये जो AD रेखाखंड है ये BC को समद्विभाजित करता है, मतलब हमें सिद्ध करना है कि BD किसके बराबर है, CD के, एक तो ये दोनों बराबर करनी है, दूसरा AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ये जो AD है ना इस कोण A का समद्विभाजन, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हमें क्या करना है, बराबर करना है, तो बहुत ईजी है। देखो इसके लिए सिंपल, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दो तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे और ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो लिख लो जो सवाल में दे रखा है, तो सवाल में दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर हैं AC के और
ए डी बी सी पर लंब है, ए डी लंब है बी सी पर, है ना, ये हमें सवाल में दे रखा है। हमें करना है सिद्ध, तो मैं सीधा लिख देता हूँ आपके लिए, है ना, ये तो थोड़ा लैंग्वेज अलग है, मैं सिंपल लैंग्वेज में कि ए डी रेखाखंड बी सी को संधिभाजित करता है। ए डी किसको संधिभाजित करता है, बी सी को, मतलब हमें सिद्ध करना है कि बी डी किसके बराबर, सी डी के, बी डी बराबर है सी डी के, ठीक है। और नंबर एक है ना, और नंबर दो में क्या सिद्ध करना है कि ए डी कोण ए का संधिभाजन करता है, मतलब जैसे यहाँ एक नंबर और दो नंबर, तो ये दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर, कोण नंबर एक बराबर होना चाहिए कोण नंबर दो के, ये लाना है हमें, ठीक है। अब समझ में आ गया अच्छी तरह से, अब करेंगे उत्पत्ति, ठीक है। देखो ध्यान देना, इधर सिंपल ही है, हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, तो एक का नाम तो ए डी बी और ए डी सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी से दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांगसम, मतलब कितनी चीजें बराबर, तीन चीजें। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हैं, क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ। तो देखो इस त्रिभुज की ए बी भुजा बराबर होगी इस त्रिभुज की ए सी भुजा के, क्यों होगी बराबर, क्योंकि मैं सवाल में दिया हुआ है, हो गई। दूसरी देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी 90, ये भी हमें सवाल में दिया हुआ है। तो जैसे इसको नंबर देंगे 3 और इसको नंबर देंगे 4, तो क्या हो जाएगा, कोण नंबर 3 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 4, क्यों बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, है ना, लिख दो चाहो तो। ए डी किस पर लंब है, बी सी पर, हो गया, दो हो गई बराबर। अब एक और बताओ, देखो ये वाली है ना, ये भुजा ए डी इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, मतलब उभयनिष्ठ, तो क्या लिखोगे, ए डी बराबर है ए डी, क्यों बराबर है, ये हो जाएगी बच्चों उभयनिष्ठ, हो गए तीन चीजें बराबर। अब जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, उन दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा भाई, तो देखो ये पहले भुजा फिर कोण, तो भुजा कोण, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसमें देखो 90 डिग्री आ रहा है और 90 डिग्री के सामने कर्ण भी है और एक अन्य भुजा भी है, तो कौन सा नियम लगेगा, आर एच एस, एक और 90 डिग्री बराबर हो और एक कर्ण बराबर हो और उसके अलावा एक अन्य भुजा बराबर हो, तो कौन सा नियम लगता है, आर एच एस। पांच नियम थे, पढ़े थे हमने पांच नियम, उन नियमों को आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे जैसे नहीं लगाना है, जैसे ये भुजा कोण, ये कोई नियम नहीं होता, है ना। तो नियम कौन सा लग जाएगा, आर एच एस नियम द्वारा, सर्वांगसम नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, ए डी सी के, है ना। तो ये नंबर एक हल कर रहे हैं पहले, तो ये हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी, बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे बी डी बराबर होगी किसके, सी डी के, बताओ बेटा क्यों बराबर होगी, बाय सी पी सी टी। तो देखो ये पहला सिद्ध हो गया। अब आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः ए डी रेखाखंड बी सी को क्या करता है, बी सी को समधिभाजित करता है, समधिभाजित करता है, इति सिद्धम, हो गया पहला। अब नंबर दो भी सिद्ध करना है, मैं यही लिख देते हैं नंबर दो क्या सिद्ध करना है कि ए डी कोण ए का भी समधिभाज, ए डी कोण ए का भी, ये दोनों कोणों को भी बराबर करना है, तो हो गए बराबर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो लिख दो यही चीज यहाँ पर कि त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के, क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर, कोण एक और कोण दो क्या होगा, कोण एक बराबर होगा कोण दो के, क्यों होगा, बाय सी पी सी टी, इति सिद्धम। आप हिंदी लिखना चाहो तो लिख दो, अतः ए डी कोण ए को समधि बाजित करता है, इति सिद्धम। तो ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, सवाल दो ही करेंगे हम इस क्लास में, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो अगली क्लास में हम बचे हुए सवाल पूरे करेंगे।
तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करो यार, मज़ा नहीं आ रहा है ना, थोड़ा इंटरेस्ट मेरा भी हो और आपका भी हो तभी आएगा मज़ा, तो पढ़ाई करो जी जान से और उतारो।